मेरा नाम है शुभम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एनसीडीआरसी का एमटीएस का रिजल्ट आ गया, उसके बारे में पूरी डिटेल की कैसे कैसे आपको निकालना है, क्या क्या पता चलेगा। देखो सबसे पहले मैंने गूगल पे लिखा है यहाँ पे एनसीडीआरसी, देखो यहाँ पे आ गया नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट वगैरह, यहाँ पे मतलब पूरी उसकी ऑफिशियल साइट आ गई है। ठीक है, ऑफिशियल साइट पर जाने के बाद यहाँ पे आ रहा है जॉब डायरेक्ट रिक्वायरमेंट 2019। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक करा, क्लिक करने के बाद देखो आपको बताऊंगा यूडीसी और एलडीसी का तो पहले ही आ गया था, जिसके लिए मैंने वीडियो बना दी थी। अब उसके बाद यहाँ पे देखो आ जाए क्लिक हेयर टू व्यू रिजल्ट ऑफ रिटर्न एग्जाम रिटर्न टेस्ट फॉर एमटीएस ग्रुप सी पोस्ट, हमने इस पे यहाँ पे क्लिक करा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे करना है एंटर टू, एंटर एनी टू मतलब आपको कोई भी इसमें दो चीज़ें डालनी है, तो रोल नंबर डेट ऑफ बर्थ या ईमेल आईडी, मतलब इन तीनों में से कोई भी आप दो डाल के जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके नंबर आ जाएंगे। फिर उसके हिसाब से यहाँ पे आ जाएगा कि उसमें लिखा भी आ जाएगा कि आप सिलेक्टेड हो या नहीं हो। ठीक है, उसमें यहाँ पे लिखा आ जाएगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो अगर निकालने में वगैरह वगैरह कुछ भी दिक्कत आ रही हो, कुछ भी पूछना हो इस पोस्ट से रिलेटेड, तो नीचे कमेंट वगैरह कर देना, आपको पता है रिप्लाई में करता हूँ। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।